सभी दिल्ली वासियों को, देशवासियों को 70वें गणतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, दिल से शुभकामनाएं। दोस्तों, आज से 70 साल पहले 1950 में 26 जनवरी को आज ही के दिन हमारे देश को संविधान मिला था और 1947 को देश आजाद हुआ था। आज समय है हमें अपने शहीदों की कुर्बानी को याद करने का, अपने शहीदों की कुर्बानी को नमन करने का। हमारे देश को 1947 में आजादी मिली, लेकिन वो आजादी आसानी से नहीं मिली थी। उसके लिए हमारे ढेरों लोगों ने शहादत दी थी, बहुत लोग शहीद हुए थे, अपनी जान की कुर्बानी दी थी। शहीद आजम भगत सिंह ने अपनी जान की कुर्बानी दी, सुखदेव, राजगुरु, अशफाकुल्ला खान, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, न जाने कितने लोगों की जान की कुर्बानी के बाद हमारे देश को आजादी मिली थी। बाबा साहब अंबेडकर ने, महात्मा गांधी ने, चाचा नेहरू ने पूरा जीवन संघर्ष किया था, उसके बाद हमारे देश को कुर्बानी मिली थी। मैं कई बार सोचता हूं, उन लोगों ने क्यों कुर्बानी दी थी? भगत सिंह ने क्यों कुर्बानी दी थी? उन शहीदों का क्या सपना था? शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था कि हमें ऐसी आजादी नहीं चाहिए कि आज अंग्रेज देश छोड़ के चले जाएं, लेकिन देश की व्यवस्था वैसी की वैसी बनी रहे, देश के अंदर वैसे ही भुखमरी का जीवन जीते रहें, गोरे अंग्रेज चले जाएं और काले अंग्रेज आकर बैठ जाएं। दोस्तों, हमारे शहीदों का क्या सपना था? हमारे शहीदों का सपना था, एक दिन देश आजाद होगा तो इस देश के अंदर खुशहाली आएगी, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी, हर गरीब आदमी को, मजदूर को पूरी मेहनत की मजदूरी मिलेगी, हर किसान खुशहाल होगा, किसान को पूरी मजदूरी मिलेगी, अपनी फसलों के दाम मिलेंगे। उन्होंने सपना देखा था कि भारतवर्ष एक दिन दुनिया का नंबर वन देश होगा। दोस्तों, मुझे कहते हुए बेहद दुख है कि आज 70 साल के बाद, आज 70 साल के बाद भी उन शहीदों का सपना पूरा नहीं हुआ। मैं कई बार सोचता हूं, अगर शहीदों को पता होता हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वालों को पता होता कि आजादी के बाद देश का इस तरह से बेड़ा गर्क किया जाएगा, मैं कई बार सोचता हूं कि क्या वो शहीद शहादत देते? आज हमारे देश के अंदर अगर एक गरीब घर के अंदर बच्चा पैदा होता है, क्या उसको अच्छी शिक्षा मिलती है? हमारे देश के अंदर आज गरीब तो छोड़ो, मिडिल क्लास परिवार के अंदर भी अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको अपना इलाज कराने के लिए सारी जमा पूंजी खर्च कर देनी पड़ती है। 70 साल के अंदर सारी पार्टियों ने, सारे नेताओं ने मिलके देश का बेड़ा गर्क कर दिया। दोस्तों, आज 70 साल के बाद क्या हम कह सकते हैं कि हमने अपने शहीदों के सपनों को पूरा किया? नहीं कह सकते।